हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइट एक यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री वॉरियर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, वैसे ये एक एक्टिविटीज़ वीडियो है। मैंने प्रोजेक्ट 2 दिया था प्लांटेशन के रिगार्डिंग। 32 स्टूडेंट्स में से टोटल 4 स्टूडेंट ने इस चीज़ को अटेम्प्ट किया है। इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि चलो एटलीस्ट 4 बच्चों ने तो किया। बाकी अपने आप को अमानी लोग समझते हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के, चाहे वो नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर उनके क्रिएटिविटी के ही लिए क्यों ना मैंने प्रोजेक्ट दिया हो, बट वो नहीं करते हैं। बट कोई बात नहीं है, इट्स ओके। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक ज़रूर देखना इस वीडियो को, क्योंकि 4 बच्चों ने जो भी अपने एक्टिविटीज़ को सेंड किया था मैंने उसको कंबाइंड करके, लंबा वीडियो हो गया है काफ़ी, आई नो दैट, बट इट वर्थ। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा वो मैं बताना चाहूँगा। इस प्रोजेक्ट को करवाने के पीछे का एक उद्देश्य तो है ही मेरा पर्सनल, कि चलो ठीक है, नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस ये उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव अप्रोच भी लाएगा। किसी भी प्रोजेक्ट को जब दिया जाता है एक टीचर के द्वारा, तो वो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं बच्चे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड लिया है। जो जो इंस्ट्रक्शन मैंने दिए थे उन सारे इंस्ट्रक्शंस को हर लोगों ने अपने अपने सूझबूझ के हिसाब से उन्होंने परफॉर्म किया है। सो आप लोग देख करके ये ज़रूर बताना कि किसने बेटर परफॉर्म किया है, ठीक है। आपको ये पहले तो बताना ही है, उसके बाद लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में एक बच्ची ने अपना एक बहुत ज़्यादा बढ़िया मैसेज दिया है ना। एक्चुअली मेरे प्रोजेक्ट देने के पीछे का उद्देश्य कुछ वही था, है ना, इसके अलावा भी और उद्देश्य है, बट वो एक मेन इंपॉर्टेंट था मैसेज जिसको उसने समझा जरूर है। तो लास्ट वाला वीडियो जो है वो तो डेफिनेटली देखना, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है ना। और वो मैसेज जरूर बताना आपने क्या सीखा है इस वीडियो में, क्योंकि हर एक बंदे आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं लाइफ में। आपने पढ़ा भी होगा कि हर एक व्यक्ति खुली किताब है, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, चाहे वो हमसे छोटे हो, चाहे वो हमसे बड़े हो, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर कोई भी हो। तो इन बच्चों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को देखिए और कमेंट में जरूर बताइएगा आपने क्या मैसेज रिसीव किया है इस वीडियो से। ओके, दैट्स इट फॉर इट। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज सुहानी प्रिया, आई एम इन स्टैंडर्ड 12th, आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर। लेट मी टेल यू अबाउट माय न्यू प्रोजेक्ट। दिस इज माय सेकंड प्रोजेक्ट एंड माय फर्स्ट प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन DNA एंड दिस प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन प्लांटेशन ऑफ ट्री। दिस प्रोजेक्ट इज गिवन बाय अक्षय सर, वेयर आई गो फॉर कोचिंग। माय कोचिंग नेम इज केमिस्ट्री वॉरियर। सो प्लांटेशन ऑफ ट्री ही क्यों, क्योंकि प्लांट का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जगह है। प्लांट जो है हम लोग को ऑक्सीजन देती है, घर में जो भी निगेटिव एनर्जी होती है उसे दूर करने में मदद करती है और एयर पॉल्यूशन को भी रोकने में मदद करती है। सो जब मुझे प्लांटेशन ऑफ ट्री का प्रोजेक्ट मिला था तो मैंने एलोवेरा को चुना था, क्योंकि एलोवेरा का यूज़ जो है वो आयुर्वेद के टाइम पे एक औषधि के रूप में किया जाता है, और एलोवेरा का यूज़ करके हम लोग बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। एलोवेरा को एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी वायरल और एंटी सेप्टिक के लिए जाना जाता है, और एलोवेरा का यूज हम लोग माउथ फ्रेशनर के लिए भी करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कैसे एलोवेरा के पेड़ को लगाते हैं और उसके एब्जॉर्प्शन भी देखेंगे। और एक बात मैं और प्लांट के लिए कहना चाहती थी, पौधे लगाओ और जीवन बचाओ। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं कैसे प्लांट को लगाती हूँ, और हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे प्लांट लगाते हैं। मैं जब मुझे ये प्रोजेक्ट मिला था तो मैं अपने गांव गई थी और मैंने वहाँ कुछ एब्जर्वेशन भी किया है, और मैंने वहाँ से कुछ सामान भी लाया ताकि मैं प्रोजेक्ट में उससे मदद ले सकूँ। जैसे कि मैंने मिट्टी लाया है, बकेट लाया है और हैंड व्हील लाया है, जिससे वो मिट्टी को मिलाने में मदद मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग प्लांट कैसे लगाते हैं। तो मैंने ये बकेट लाया है, ठीक है, ये मिट्टी है जो मैं अपने गांव से लाई हूँ, और ये हैंड होई है जिसे गांव में इसे कुर्पी भी बोलते हैं, और ये मेरा छोटा सा प्लांट है जिसे मैं लगाऊंगी अभी। तो हम लोग देखते हैं कि मैं प्लांट कैसे लगाती हूँ। तो मैं बकेट में ये मिट्टी को ऐड कर लेती हूँ इस हैंड होई की मदद से। तो ये मैंने ऐड कर रहा है इसमें। तो देखिए, मैंने इस बकेट में ये मैंने मिट्टी को ऐड कर लिया, इसमें सम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करूँगी, उसके बाद मैं प्लांट लगाऊंगी। तो मैंने कुछ पानी लिया है जिसको मैं इसमें ऐड करूँगी और उसके बाद प्लांट को लगाऊंगी। ये मैंने पानी को ऐड कर लिया, अब मैं प्लांट को लगाऊंगी। तो इसमें तो ये मैंने प्लांट इसमें लगा लिया है, और मैं इसमें कुछ, मैं नर्सरी में गई थी तो कुछ खाद्य पदार्थ ली थी, तो उसको मैंने इसमें ऐड करूँगी, और इसके बाद थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर डालूंगी।
अब मेरा प्लांट लग के तैयार हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके ऑब्जर्वेशन कैसे होते हैं, कैसे ग्रोथ करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे ये सब लगा कर, और देखेंगे कैसे ये प्लांट ग्रो करता है। सो बाय बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने प्लांट का प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो उसमें प्लांटेशन किया था पिछले वीडियो में। अब इसमें वाटर डालूंगी ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके। तो हम लोग आइए, ये मेरा प्लांट है और ये कुछ अमाउंट मैंने पानी लिया है और इसमें मैं ऐड करूंगी ताकि इसका ग्रोथ अच्छे से हो। इसका थोड़ा सा ग्रोथ हो चुका है बट वो पता नहीं चलेगा क्योंकि इतना थोड़ा सा हुआ है कि एक दिन में क्या ही पता चलेगा। तो इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे खाद पदार्थ मिलाएंगे और उसमें भी वाटर ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि कितना ग्रोथ होता है। इसमें बहुत थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है जो कि पता नहीं चल रहा है। सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो ये मेरा फोर्थ वीडियो है जिसमें आज हम देखेंगे कि अपने इस प्लांट में खाद्य पदार्थ को ऐड करेंगे, कुछ पानी को ऐड करेंगे। और वैसे भी मेरा पौधा थोड़ा सा ग्रो कर गया है, तो आप अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा पौधा थोड़ा सा ग्रो किया है। तो अब हम इसमें खाद्य पदार्थ मिलाएंगे जो कि मैंने नर्सरी से लिया है। तो आइए देखते हैं खाद्य पदार्थ। ये कुछ खाद्य पदार्थ है जो मैं प्लांट में अपने ऐड करूँगी। तो आइए अब ऐड करते हैं खाद्य पदार्थ अपने प्लांट में। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ, इसमें ज़्यादा अमाउंट में नहीं करेंगे हम लोग। तो ये मैंने ऐड किया है अभी इसमें, और अब इसमें पानी डालूँगी। तो ये मैंने पानी लिया है थोड़ा सा इसमें, और इसमें ऐड करूँगी मैं, ऐड कर रही हूँ। अगर आपको दिखा होगा कि मेरा पौधा थोड़ा सा ग्रो कर गया है, तो अब इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया है। ज़्यादा पानी भी ऐड हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि उससे प्लांट जो है वो सूख सकता है या ख़राब हो सकता है। तो आज का वीडियो यही तक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें वाटर डालेंगे और इसमें भी कुछ खाद्य पदार्थ मिक्स करेंगे ताकि प्लांट ग्रो कर जाए। तो थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरा फाइनल वीडियो है जो कि फिफ्थ वीडियो है, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एलोवेरा कितना फाइनली ग्रो कर चुका है। ये मेरा लास्ट वीडियो है, सो इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी ऐड करेंगे और देखेंगे कि कितना ग्रो कर चुका है। तो आइए देखते हैं। तो ये रहा एलोवेरा का पेड़, और आप देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में इतना ग्रो नहीं था लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा ग्रो है। तो इसमें कुछ पानी हम लोग ऐड करेंगे, सो इसमें हम लोग पानी ऐड कर रहे हैं। सूखे नहीं और ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड करना है ताकि पेड़ ख़राब नहीं हो। तो ये मेरा लास्ट वीडियो है, सो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखेंगे कि हम लोग का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, और इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ ताकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या हो सकता है ये गेस करना चाहिए। सो थैंक यू, बाय बाय। So basically, I take a marigold plant known for Gendha phool. Basically, so this is the second day and I choose a place where some sunlight will come and it appears to grow. So there's some water. So basically this is the day 3 and I'm gonna tell you something like मैंने इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे थोड़ी सी सनलाइट आती हो और थोड़ी छाया भी हो। सो आई वॉटर्ड एवरी डे थ्रू विच दिस प्लांट कैन वी ग्रो।
सो लेट्स वाटर इट. और सनलाइट इसके लिए ताकि ये थोड़ा सा ग्रो कर सके. एंड दैट्स व्हाई दैट्स इट. सो बेसिकली दिस इज द डे 4 or 5 एंड आई एम गोइंग टू एड सम मैन्योर. लाइक दिस इज द मिक्सर ऑफ एस एंड एस इट मीन्स काउ डंग. दिस इज द मिक्सर. सो आई एम एडिंग सम मैन्योर थ्रू विच लाइक द प्लांट्स कैन ग्रो फर्दर. This is something else. तो मैं इसके मिट्टी के साथ थोड़े से मतलब मैन्योर्स ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके. एंड मैंने इसको ऐसे जगह पे भी फिक्स किया है जहाँ पे सनलाइट प्रॉपरली आती है. एंड दैट्स इट. So, like, I'm adding some manure. मैंने इसको इसकी मिट्टी के साथ जो इसके अंदर मतलब इस पॉट के अंदर मिट्टी थी उसके साथ इसको ऐड कर दिया, ना कि ऐसे ही डाला है. सो ये लगभग हो ही चुका है. और एंड आफ्टर दैट मैं इसमें थोड़े से पानी डालूंगी ताकि ये इसको सूखे एंड प्रॉपरली ग्रो कर सके. सो आई एम गोइंग टू ऐड सम वाटर इन दैट. यू नो नेचुरल मैन्योर है ताकि इस प्लांट्स को ज़्यादा हार्म भी नहीं पहुँचे. और ये कोई मतलब खाद वाद मतलब मैन्युफैक्चर किया हुआ मैन्योर नहीं है. नेचुरल मैन्योर है और इसके वजह से प्लांट्स को ज़्यादा हार्म भी नहीं पहुँचेगा और ये ग्रो भी करेगा. इसके ग्रोथ में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा. हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में कुछ खास लेके आई हूँ. एग्जैक्टली मुझे कहना चाहिए कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारे लिए कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे खास है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते. एग्जैक्टली प्लांट्स. हेलो गाइस, सो अकॉर्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट सबसे पहले हमें एक पॉट लेना है जो मैंने ये लिया है. और इसमें हमें पहले होल करना होगा क्योंकि एयर इसमें आना चाहिए. एडिशनल पोर्शंस मस्ट है, हमारे सर ने हमें बताए, इसलिए सबसे पहले इसमें होल्स करेंगे. तो हम लोग इसमें स्मॉल टिनी होल्स करेंगे स्टॉफ टू होल्ड. तो गाइस हमने इसमें टिनी होल्स कर दिए हैं. अब हम इसमें सॉइल रखेंगे और देन हम लोग प्लांट करेंगे. स्टार्ट. तो गाइस हम इसमें सॉइल रखेंगे. तो हम लोग अभी इसमें सॉइल डाल रहे हैं. हमने इसमें सॉइल पूरा कंप्लीट भर लिया है. अब हम इसको इस मिट्टी को थोड़ा गीला करेंगे. गाइस तो अभी हम लोग इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ऐड करेंगे क्योंकि गाइस हम प्लांट कटिंग प्रोसेस से ही करेंगे क्योंकि प्लांट कटिंग प्रोसेस से लगाएंगे. तो हम ले रहे हैं फ्लावर का प्लांट, मीन्स इट इज अ रोज प्लांट. तो हम लोग इसका यूज करेंगे अपना प्लांट को लगाने के लिए. इसमें प्लांट ग्रो करेंगे. प्लांट को लगा लिया है पॉट में. अब इसमें हम लोग वाटर डालेंगे. इसमें वाटर डालेंगे उतना ही हम लोग सॉइल पूरा अब्सॉर्ब कर ले वाटर. सो गाइस हम लोग ने प्लांट लगा लिया है. अब इसके ग्रो होने का हम वेट करेंगे. ये क्यूट सा प्लांट मैंने किया है. इसके ग्रो होने का वेट करेंगे और फिर देखते हैं अभी ग्रो होता है. और धीरे धीरे सारे प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में आपको दिखा देंगे. थैंक यू.
हेलो गाइस, तो मैं हूँ श्वेता सोनाली और आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत खास है। आखिर ये खास क्यों है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट पेड़ और पौधों के बारे में है। हमें एक प्लांट लगाना है और डेली ऑब्जर्वेशंस नोट करने हैं। सो मैं कौन सा प्लांट लगाऊंगी वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। सो नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखिए और इस ब्लॉग को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो अभी के लिए थैंक यू। हेलो गाइस, तो आज के ब्लॉग में हम प्लांट लगाएंगे जो बहुत कॉमन प्लांट है, जो हर घर में रहता है, वो है तुलसी। तुलसी लगाने के लिए हम कटिंग मेथड का यूज करेंगे। हम इसके सीड से भी तुलसी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके सीड से तुलसी लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ग्रो करने में, इसलिए हम कटिंग मेथड का यूज करेंगे। सो हम इसके नोड के 1 सेंटीमीटर नीचे से हम इसे कट करेंगे। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कट किसी साफ टूल से करें, नहीं तो इसके टिश्यू हार्म हो सकते हैं। हमें प्लांट लगाने के लिए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि सॉइल कैसा है। सॉइल पर भी प्लांट का ग्रोथ डिपेंड करता है। तो अभी हम सॉइल तैयार करेंगे। तुलसी लगाने के लिए हम ग्राउंड सॉइल का यूज करेंगे और इसमें हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे। हम इसमें वर्मी कम्पोस्ट का यूज करेंगे। हम इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तुलसी प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट होता है। इसे हमें खाने में इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी बीमारियों में, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस, कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा। इसमें हम वर्मी कम्पोस्ट का यूज करेंगे जो गाय के गोबर से बना हुआ होता है, और सैंड का यूज करेंगे। हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली अब हमारा सॉइल रेडी हो गया है तुलसी प्लांट लगाने के लिए। तो अब हम इसमें तुलसी लगाएंगे। इससे पहले हमें ऊपर की लिप्स इसमें रह देने और मैंने इसके लीची की लिप्स हटा दिए हैं। तो अब हम इसमें 1 इंच तक इसे डिप करेंगे। तो हमारा प्लांट अब लग चुका है। सेकेंड डे है, आज हम अपने तुलसी प्लांट में वाटर डालेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने तुलसी प्लांट में ज्यादा वाटर नहीं डालें, नहीं तो हमारा तुलसी प्लांट सूख सकता है। हमने अपने तुलसी प्लांट में छोटे छोटे होल्स भी कर रखे हैं नीचे में, जिसकी वजह से इसमें एरिएशन प्रोसेस हो पाए। एरिएशन प्रोसेस किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए मस्ट है। हम अपने तुलसी प्लांट में हर रोज वाटर नहीं डालेंगे, अल्टरनेट डे वाटर डालेंगे, जिस वजह से हमारा तुलसी प्लांट लंबे समय तक रहेगा, नहीं तो हमारा तुलसी प्लांट सूख सकता है। हम अपने तुलसी प्लांट को ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना मिले। अगर डायरेक्ट धूप इसे मिलता है, गर्म हवा इसे मिलती है, तो ये सूख सकता है। इसलिए हम अपने तुलसी प्लांट को ऐसी जगह पे डालेंगे जहाँ पे ज्यादा धूप ना हो। हेलो गाइस, तो मैं हूँ श्वेता सोनाली और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में जो हमें प्लांट्स के बारे में मिला है। तो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी प्लांट लगाया है? मैंने आज तक कभी नहीं लगाया था, लेकिन मैंने प्लांट लगाया तो मुझे पता चला कि इसके प्लांट लगाने के बाद फीलिंग कैसी आती है। प्लांट लगाने के बाद एक अलग सी फीलिंग आती है, एक अलग सी पॉजिटिव वाइब्स आती है। आप प्लांट लगाने के बाद ही आपको पता चला कि वो फीलिंग कैसी होगी। तो मैंने एक तुलसी प्लांट लगाया है। और तुलसी प्लांट ही क्यों लगाया? क्योंकि तुलसी प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट है। तुलसी प्लांट का हम यूज ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, कॉमन कोल्ड में करते हैं। अगर हमें कोई बीमारी होता है तो हम सबसे पहले मेडिसिन की दुकान में नहीं जाते हैं, सबसे पहले अपने घर पे लगे तुलसी के प्लांट के लीफ का यूज करते हैं। तो हमें इसलिए तुलसी प्लांट लगाया। तुलसी प्लांट के पूजा भी होती है जो मैक्सिमम घर में होता है। तुलसी प्लांट पे हमें ज़्यादा पानी भी डालने की जरूरत नहीं होती है। गर्मियों के दिन में अल्टरनेट डे पानी डालते हैं और ठंडी के दिन में 5-6 दिन के गैप में। तुलसी प्लांट को 10-12 दिन तक भी बिना पानी के रह सकता है। तो अगर हम उसे ज़्यादा पानी डालेंगे तो तुलसी प्लांट हमारा जल सकता है।